हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरविंद अकेला की फिल्म राम अब राम की बारे में, जिसके पोस्टर पर मच रहा है बवाल। जी हां दोस्तों, एक तरफ टीका लगाए और दूसरी तरफ दाढ़ी टोपी के साथ आंखों में सुरमा लगाए नजर आए भोजपुरी स्टार अरविंद अकेला। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि भोजपुरी अभिनेता कल्लू की आगामी फिल्म राम अब राम का पोस्टर जारी हो गया है। बता दें कि अरविंद अकेला के फैंस लंबे समय से अभिनेता की फिल्म का इंतजार कर रहे थे। वहीं विजयदशमी से ठीक पहले अभिनेता ने सोशल मीडिया के जरिए फिल्म का पोस्टर जारी कर अपने फैंस को खुश कर दिया है। प्रभास की फिल्म आदि पुरुष के विवाद के बीच जारी हुआ ये पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। कुछ लोग अरविंद को बधाई दे रहे हैं तो कुछ लोग हिंदू मुस्लिम पर बनी फिल्म को बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों बता दें कि फिल्म राम अब राम के पोस्टर में एक तरफ अरविंद का हिंदू अवतार में नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लुक में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में फैंस को डर सताने लगा है कि कहीं इस फिल्म में ऐसा कुछ ना हो जिसकी वजह से उनकी भावनाएं आहत हो। तो दोस्तों ये भी बता दें कि अरविंद अकेला के पोस्टर पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, भैया ऐसी कोई फिल्म मत करना जिससे हमारी सनातन धर्म को ठेस पहुंचे और भोजपुरी इंडस्ट्री को नुकसान हो। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, भैया हिंदुओं की भावनाओं को ख्याल जरूर रखिएगा। फिल्म के पोस्टर से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म की कहानी हिंदू और मुस्लिम पर आधारित होगी। फिल्म के निर्देशक देवेंद्र तिवारी ने कहा कि मैं सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्मों में बनाना पसंद करता हूं। इस फिल्म की कहानी भी ऐसी ही एक कहानी पर आधारित है। फैंस जानते हैं कि मेरी फिल्मों की कहानी काफी दमदार और रोचक होती है। दोस्तों राम अब राम का पोस्टर आप लोग का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।